हैदराबाद के पुराने पुल में स्थित प्राचीन श्री सखी बाबा मठ में अन्नकूट और श्रृंगार दर्शन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर भारी तादाद में भक्तगण ने हिस्सा लिया। यह काफी प्राचीन मंदिर है, यहाँ सालों साल से यह अन्नकूट का प्रसाद घूमने आते हैं। यह मंदिर की काफी मानता है। मैं आप कितने साल से आते हैं यहाँ पर? हम लोग 10 साल से करीबन आए हैं। ये मंदिर यहाँ तांबे लोग के कितने साल हुआ, ये कितने साल पुरानी है? ये काफी प्राचीन मंदिर है। इस मौके पर वहां पधारे आयोजकों में से एक श्याम सुंदर लोहिया ने इस मंदिर की मान्यता के बारे में बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये पुराना मंदिर है, हर साल परंपरा के अनुसार दीपावली के पांचवें दिन श्री राम जी की विवाह का एक दिन है, पांचवी की तरफ से उसकी तरफ के लिए भगवान की तरफ से अन्नकूट होता है। ये अन्नकूट कम से कम 5,000 के ऊपर आदमी प्रसाद लेते हैं और दीपावली के लिए हर मंदिर में ऐसा छोटा बड़ा रहता है, लेकिन हैदराबाद में आज यहाँ का जो अन्नकूट है सबसे बड़ों में गिनती आती है। 5,000-10,000 पब्लिक रहती है, 5,000 के ऊपर पब्लिक रहती है। ये पूरा प्रसाद रहता है, राम जी का विवाह रहता है, विवाह के उपलक्ष में भगवान का अन्नकूट का हर साल ऐसा बड़ा प्रोग्राम हुआ है।